नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 10 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे अनिल गुप्ता। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक केबल ऑपरेटर हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से अनिल गुप्ता कितना रकम जीत कर गए हैं और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है, वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से अनिल गुप्ता 6,40,000 जीत कर गए हैं। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन उनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं, जिस सवाल का उनके पास 110% सही जवाब नहीं होता है और इसी को लेकर वो गेम को क्विट कर देते हैं और इस तरीके से केबीसी के मंच से 6,40,000 जीत कर जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे करते हैं। तो हम आपको बता दें, अनिल गुप्ता अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 5,000 के सवाल पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 5,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शक संबंध पर आधारित कैलेंडर के अनुसार इनमें से कौन से दो त्योहार एक ही हिंदू महीने में मनाए जाते हैं? चार ऑप्शन हैं, ए मकर संक्रांति और होली, बी दिवाली और भाई दूज, सी हरियाली तीज और गुड़ी पड़वा, सी छठ पूजा और रक्षाबंधन। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन बी, और यहाँ पे दिवाली और भाई दूज को लॉक करवा कर ये जीत जाते हैं 5,000। अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 20,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। देखिए 20,000 का कौन सा सवाल इनसे पूछा गया था वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इनमें से किस देवी देवताओं के जोड़े का वाहन एक ही प्रकार का जीव है? चार ऑप्शन है, ए भगवान गणेश, देवी सिद्धि, भगवान ब्रह्मा, देवी सरस्वती, भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को उस सवाल का सही जवाब बताना होता है, तो अनिल गुप्ता अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाए थे वो था ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती। फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पर जो इनसे सवाल पूछा गया था, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से किस टर्म का इस्तेमाल प्राचीन मिस्र में राजाओं के लिए किया जाता था? चार ऑप्शन है, ए जार, बी टेन्नो, सी फराओ और डी सुल्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को ये लॉक करवा कर जीत जाते हैं 20,000। उसके बाद अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 80,000 के सवाल पे, जो कि आस्क द एक्सपर्ट था। 80,000 का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाने के संगीत निर्देशक कौन है? यानी कि एक ऑडियो क्लिप सुनाया गया था और उस ऑडियो को सुनने के बाद बताना था कि उस गाने का संगीत निर्देशक कौन है। चार ऑप्शन है, ए अनु मलिक, बी नदीम सरवन, बी जतिन ललित और डी उत्तम सिंह। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको एक्सपर्ट के रूप में आप देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये हैं आज तक की एंकर श्वेता झा, और इनके मदद से यहाँ पे ये जीत जाते हैं 80,000। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तम सिंह। उसके बाद ये अपने चौथे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 6,40,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस दिग्गज अभिनेता के आत्मकथा का शीर्षक मेरी फिल्मी आत्मकथा है, जिनका जन्म का नाम युधिष्ठिर था? चार ऑप्शन है, ए बलराज सहनी, बी देवानंद, सी राजेंद्र कुमार और डी गुरुदत्त। तो इस सवाल का भी इनके पास 100% सही जवाब नहीं था, इसलिए 50-50 का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में दो गलत विकल्प को हटा दिया जाता है। उसके बाद बचता है ऑप्शन ए और डी। यहाँ पे ये ऑप्शन ए यानी कि बलराज सहनी को लॉक करवा कर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं, जो कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। भारत चीन युद्ध के बाद अगस्त 1963 में लोकसभा के इतिहास में उसके पटल पर
सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव रखने वाले नेता कौन थे? चार ऑप्शन है, कैलाश नाथ काटजू, जेबी कृपलानी, आर दिवाकर और यूएन ढेवर। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 110% कन्फर्म नहीं थे, इसी को लेकर यहाँ पे गेम को ट्विट कर देते हैं और 6,40,000 जीत कर जाते हैं। राशि जीतने के बाद ऑडियंस को इस सवाल का सही जवाब बताना होता है, तो अनिल गुप्ता अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाए थे वो था ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर ये अपने अनुसार इस गेम को खेल जाते तो यहाँ से 12,50,000 जीत जाते और हो सकता उसके आगे का जो क्वेश्चन पूछा जाता उसका भी जवाब ये दे पाते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। और कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे 10 नवंबर को अनिल गुप्ता 12,50,000 के सवाल पे गेम को क्विट कर 6,40,000 जीत कर गए हैं।